हेलो दोस्तों, आज हम लाए हैं केले से बने हुए मालपुआ। ये दोस्तों बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाते हैं। देखिए कितने सॉफ्ट और फ्लफी बने हैं। तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करे या आपके केले वेस्ट हो रहे हो, कोई बच्चे खा नहीं रहे हो, तो झटपट से इसकी रेसिपी बना के तैयार करें। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अपनी रसोई में। और दोस्तों आज हम बनाएंगे केले से मीठी रेसिपी। ये पके हुए केले थे, इनको मैंने मैश कर लिया है। तो आज हम इससे गुलगुले बनाने वाले हैं। इसको चम्मच की हेल्प से आप अच्छी तरह इनको मैश कर लें। अगर चम्मच से दिक्कत हो रही हो तो आप मिक्सी जार में भी इसको मैश कर सकते हैं। तो अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे गेहूं का आटा। ये दोस्तों रोटी वाला आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो ये हम 4 बड़े चम्मच डाल लेते हैं। आटा आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से, जितने आपको बनाने हैं उसके हिसाब से आप डाल ले सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। तो चीनी अभी हम 2 ही चम्मच डालेंगे क्योंकि केले में भी ऑलरेडी पहले से मिठास होती है। और थोड़ा सा दोस्तों हम डालेंगे इसमें, ये मैंने पिसी हुई इलायची का पाउडर लिया है, इसको डाल देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कुटी हुई इलायची भी डाल सकते हैं। और दोस्तों थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सौंफ। इसकी जगह आप सौंफ पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और ये खाने में भी बहुत ही हल्की हो जाती है। सभी चीज़ों को एक बार हम मिक्स कर लेते हैं। अभी हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, पहले इसको केले में ही अच्छे से मैश करते हैं। देखिए मैंने इसको अभी केले में ही फेंटा है। पानी हम जरूरत के हिसाब से इसमें डाल लेंगे, लेकिन अभी हम इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। देखिए दोस्त 5 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से आटा हमारा फूल गया है। अब हम इसको 1 मिनट और अच्छे से फेंट लेते हैं। इसको आप जितना अच्छे से फेंटेंगे गुलगुले उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनेंगे। सबसे अच्छी ट्रिक इसकी यही है। मैं इसको आटे से बना रही हूँ क्योंकि आटा हेल्दी होता है हमारी सेहत के लिए। आप इसको मैदा या सूजी से भी बना सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर, मिला लेते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा हम इसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे। पानी हम बहुत ज़्यादा एक बार में नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि एक बार डाल देंगे साथ में ही तो बैटर हमारा ज़्यादा पतला हो जाएगा और ये बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी हमें इसमें डालने हैं। और मैं आपको इसको हाथ से तोड़ के दिखा रही हूँ। इसी तरह से आपकी कढ़ाई में जितने आ जाएं उतने आप बारी बारी इसको तोड़ लें। देखिए गुलगुले अच्छे से फूल के ऊपर तैरने लगे हैं। और अब हम इसको बराबर चम्मच से हिलाते रहेंगे ताकि ये चारों तरफ अच्छे से सिक जाए। और गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे अंदर तक इसको सेकने की वजह से, क्योंकि अगर हम फुल कर देंगे तो ये अंदर कच्चे रह जाएंगे। और इसी तरह से हम सारे सेक लेते हैं। तो ये गुलगुले हमारे सिक चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं और बाकी के सभी इसी तरह से सेक लेंगे। देखिए सारे गुलगुले हमारे तैयार हो चुके हैं। इसको मैंने अच्छे से सेक लिया है, अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हमारे केले से गुलगुले बनके तैयार हैं और ये बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाते हैं और बहुत ही आसान तरीका है इसको बनाने का। कोई भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप इसको गुलगुले या पुआ भी बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको पुआ भी बोलते हैं। तो आई होप हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। और अगर पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तब तक दोस्तों हमारी स्वीट डिश मलाई या दही के साथ एंजॉय कीजिए। मिलते हैं दोस्त अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।